नमस्कार अद्भुत आश्चर्य एमिति अनेक कथा जहाँ आश्चर्य करे आउ अद्भुत भी लगे एमिति किछि जगह जहाँ सहित जोड़ी हुई रही विश्वास एवं आस्था किछि पौराणिक गाथा आउ किछि किंवदंतीर कथा किंतु यहाँ पछरे सत केते आउ गप केते ताहाकु नै आज ठारु आमे आरंभ करुछु आमर विशेष कार्यक्रम अधा सत अधा गप। अधा सत अधा गप आज एपिसोड्रे आम एमती किसी स्थान संपर्क में जाना जहाँ विषय ग्रंथ पुराण और शास्त्र में आम अनेक थर शुणी सेमती एक कहानी हूँ महादेव विवाह को नहीं प्रभु बरजात्री को नहीं तो अनेक कहानी रही कि बरजात्री क्यों स्थान दे जाता से नहीं कौन सठिक तथ्य ना कि आम आगे दाबी रखाला देशर मध्यभाग रही एक घंच जंगल सेठारे रही छोट छोट पहाड़ आतर रही किसी अद्भुत गुंफा से गुंफा भितर रही शिव पार्वती विवाहर चिन्ह महादेव चमत्कारिता को नहीं आउ एक दाबी आसीथिला ओरछा से दाबी थिला जे सेठारे थिबा एक मंदिर रे भगवान शिव को पूजा करने को आसी थांती नंदीदेव आउ सबुठ बड़ कथा हेउची प्रतिदिन सकाळु नंदीदेव आसीबार प्रमाण देखी थांती ग्रामवासी तेबे चालंतु आरंभ करिबा दुई अद्भुत कहानी को नहीं आज रोमांचकर यात्रा। शिवंकर ए मंदिर अष्टम शताब्दीर एहि मंदिर रे लुचिछि अनेक कहानी कुहाजाए एठारे भगवान शिव केवल नटराज रूप संपर्क रे देवी पार्वती को कहि नथिले स्वयं दर्शन मध्य देथिले शिव पार्वती मिलन पर प्राकृतिक झरणार स्नान करते देव दंपति आउ एहिठारु ही बाहरी महादेव बरजात्री रूपनाथु आसवा पर एठारे रही देवी पार्वती आउ एही रास्ता दे ही बाहर को आ एकोज हेउची पुराणर सबुठ अद्भुत सबुठ रोमांचकर सबुठ अलौकिक घटनार चिन्ह पाई एहा एभळी एक मूर्ति जहार तळ भाग भांगी जाइछि कहानी महादेवंक विवाहर देशर मध्य भागरे थिबा अजणा पहाडर कहानी एभळी किछि गुंफार जोठि भक्त आस्थार आज भी बंची महादेव विवाहर कहानी शिव पार्वती की यहाँ अनूठी प्रेम कहानी के बारे में बताया जाता है। रथ गाड़ी ये सब जो है एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला में उकेरे गए हैं जो प्रमाणित करते हैं कि शंकर जी की बारात जो है इस ढंग से निकली। कहानी से ही बांदकपुर शिव पुराण रे जहार चर्चा थरे नुहे बारंबार होई पहाड़ रे थिबा ए गुंफा अति संकीर्ण जेउठी आमे जीवा को चेष्टा करूछु कि ऐसे ही स्थानों पर शिव ने अपना डेरा जमा होगा क्योंकि तब भस्मासुर से डर कर यहाँ पर छुपे थे ताकि उन्हें कोई देख ना पाए। आमर परवर्ती कहानी हेउची ओरछारे थिबा महादेवंक रहस्यमय महल रो जेउठी महादेवंकर एक अद्भुत चमत्कारिता उपरे लोकंकर विश्वास आजिर नुहे वर्ष वर्ष पूर्वरु रही आसीछि जेउठी मंदिरर बंद पछ कबाटरे प्रति रातिरे नंदीदेव आसुथवार दाबी भी करा जाय जेउठी महादेवंक एक अद्भुत चमत्कार उपरे लोकंकर विश्वास वर्ष वर्ष पूर्वरु रहिछि जेउठी बंद कबाट पछरे प्रति राति रे नंदीदेव आसुथिबार दाबी कर जाए सफेद कपड़े में आते हैं बाबा का रूप है आगे देखा तो जलो पुष्प चढ़ा मिला मुझे आपणको आगरे बंद हुए कबाट आपणको आखी आगरे कबाट रे ताला दिया जाए सेठारे थिबा जगुआली राति सारा सही विश्वास सह लड़ी थान किंतु सकाळे नंदी
ଶ୍ରୀଦେବଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପ୍ରମାଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଇବା ମହାଦେବଙ୍କ ଦୁଇ ଏମିତି ଦରବାରର ରହସ୍ୟ ଉପରୁ। ଆଜି ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବା ମହାଦେବଙ୍କ ସବୁଠୁ ରହସ୍ୟମୟ ଦୁଇ କାହାଣୀର ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେବା ଏବଂ ସକାଳୁ ପୂଜାର ଚିହ୍ନ ମିଳିବା, ଏଭଳି ଦାବି ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଥିଲା ଭିନ୍ନ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସାରା ରାତି ପହରା ଦେବା ପରେ ସକାଳୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ତାହା ଦେଖି ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ନୁହେଁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦମୋହ ଏବଂ କଟନୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେହି ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ, ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଠି ମହାଦେବ ଏବଂ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିବାର ଦାବି କରାଯାଏ। ମହାଦେବଙ୍କ ଚମତ୍କାରକୁ ନେଇ ଏମିତି ଦୁଇଟି କାହାଣୀ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀର ଦୁଇଟି ଭାଗ। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମିଳନ ଓ ବିଚ୍ଛେଦର। ପ୍ରଥମ ଧାମରେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାମରେ ମିଳନ ହୁଏ। ଦାବି କରାଯାଏ କି ଏହିଠାରୁ ହିଁ ବାହାରିଥିଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀ। ଯେଉଁଠି ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଥର ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହର ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ କାହାଣୀ ଏଭଳି ଏକ ଭକ୍ତର, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଅଲୌକିକ ଶୈବପୀଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଆଗରୁ ଖବର ନଥିଲା। ଏହାପରେ ଶିବ ପୁରାଣର ପୁସ୍ତକ ଖୋଜିବାରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଟନୀର ରୂପନାଥ ଧାମ ଓ ଦମୋହର ଯୋଗେଶ୍ୱରନାଥ ଧାମ ବାନ୍ଦକପୁରର କାହାଣୀ କିଛି ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମ ଆଗରେ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରାୟ 850 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କଟନୀ ଓ ଏହା ପାଖରେ ଥିବା ଦମୋହ। ଏମିତି ଏକ ଶିବଲୋକ ଯାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଭସ୍ମାସୁରର କାହାଣୀ, ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ମହାକାଳଙ୍କ ଉପରେ କାଳ ହୋଇ ବୁଲିଥିଲା। ଏଭଳି ଏକ ଶୈବପୀଠ ଯେଉଁଠି ଶିବ ବିବାହ କରିଥିବା ଦାବି ହୁଏ, ତେବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏଭଳି ଆଶଙ୍କାର ତଦନ୍ତ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ଏମିତି ନ ହେଇଯାଉ କି କାହାଣୀର ତଦନ୍ତ କେବଳ କାହାଣୀ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଯାଉ। କ'ଣ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ କି ଯାହାଦ୍ୱାରା କାହାଣୀ ସତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ? ମନରେ କିଛି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦମୋହରେ। मध्यप्रदेश का बुंदेलखंड इलाका जो अपने भीड़ों और पहाड़ों से भगवान से लेकर बागियों तक को लुभाते रहा है और सब यहीं पर छुपते रहे हैं, ऐसा ही एक जिला है दमोह जिला, जो अब भी इतना अछूता है कि इसकी पहाड़ियों में कई रहस्य जमीन दोज है, यहां तक कि लोग वहां पहुंच नहीं पाते हैं। इन्हीं में से एक है शिव की वो गुफा जहाँ वो भस्मासुर से बचने के लिए छुपे थे और बाद में एक पहाड़ी पर प्रकट हुए। हम आपको ले चलते हैं आज शिव के उसी रहस्य लोक की तरफ। ଏଠାରୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଥିଲା ରୂପନାଥ ଧାମ। କୁହାଯାଏ ସେଠାରେ ରହିଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଭସ୍ମାସୁରକୁ ଡରି ଲୁଚିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶିବ, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନ ସହ ସଂଯୋଗ ରହିଛି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ। ରୂପନାଥକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦାଦାଜୀ, ରୂପନାଥ କା ମନ୍ଦିର କହାଁ ପେ? ରୂପନାଥ କା ମନ୍ଦିର କଟାଓ ସେ ଥୋଡ଼ି ଆଗେ ବାଏ ସାଇଡ୍ ସେ ରୋଡ ମୋଡ଼ା ହେ, ୱହାଁ ସେ ରୂପନାଥ, ରୂପନାଥ ସେ ବହରିବାନୀ। रूपनाथ की क्या काय के लिए प्रसिद्ध है यहाँ का मंदिर? शंकर भगवान का मंदिर है, कुंड है वहाँ पे, हाँ धारा चलती है। आमको कुहा
କଟାଓ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନ ଆସିବ। ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଧାମ ରୂପନାଥ ଧାମକୁ ରାସ୍ତା ମିଳିବ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ନହାଲେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ମହାଦେବଙ୍କ ଏକ ନିଆରା ରୂପ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ନହାଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭବ୍ୟ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଲଚୁରୀ ନରେଶ ଯୁବରାଜ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନିଜ ରାଣୀ ନୋହେଲାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ। ଏହାର ଐତିହାସିକ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାକୁ ମିଳିଛି ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ମାନ୍ୟତା। ନହାଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ମାରକ ଘୋଷିତ କିଆ ଗିଆ ହେ। ଇସକି ବଜା ହେ କି ଇସ ମନ୍ଦିର ମେ ଏକ ଐସି କାହାନୀ ଛୁପି ହେ ଜିସେ ଖୁଦ ଶିବ ନେ ନଟରାଜ ବନକର ପାର୍ବତୀକୁ ନା କେବଳ ସୁନାଇ ଥି ବଲକି ନୃତ୍ୟ କେ ଜରିଏ ଦିଖାଇ ଥି। କଲାକାର ନେ ଅପନି କଳ୍ପନାଓଁ ସେ ଉସି ସବକୁ ଇନ ପଥରୋଁ ପର ଉକେରା ହେ। ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି ମହାଦେବ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଏ ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କ ନଟରାଜ ଅବତାର। ଆଉ ଏହା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଅନେକ କଳାକୃତି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ନଜର ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ନଥିଲା, ଆମ ନଜର ତ ଥିଲା ରୂପନାଥ ଧାମ ଉପରେ, ଯେଉଁଠି ଭସ୍ମାସୁରଠୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମହାଦେବ ଶରଣ ନେଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଏ। କଟାଓ ପାର ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରାଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ସୂଚାଉଥିଲା ଆମେ ରୂପନାଥ ଧାମ ନିକଟରେ ରହିଛୁ। କରିବ ଦୋ ଘଣ୍ଟେ କେ ସଫର କେ ବାଦ ହମ ଅପନେ ପହଲେ ପଡାଓ ରୂପନାଥ ଧାମ ପହଞ୍ଚ ଗଏ। ଓ ଜଗା ଯାହା ପର ଶିବ ନେ ନା କେବଳ ଭସ୍ମାସୁର ସେ ବଚନେ କେ ଲିଏ ଶରଣ ଲି ବଲକି ପହଲି ବାର ପାର୍ବତୀ ସେ ଉନକା ମିଲନ ୟହିଁ ପର ହୁଆ। ଲୋକ ତୋ ୟେ ଭି କହତେ ହୈଁ କି ଶିବ କି ବରାତ ୟହିଁ ସେ ନିକଲି, ତମାମ ପ୍ରମାଣ ଓ ଚିହ୍ନ ୟହାଁ ମିଲତେ ହୈଁ, ହମ ଉନ୍ହେଁ ଖୋଜନେ କି କୋଶିଶ କରେଙ୍ଗେ। ରୂପନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଦାବି ବହୁତ ବଡ଼, ଆଉ ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ ଆମେ। ସେତିକିବେଳେ ଆମ ନଜର ଏକ ଶିଳାଲେଖ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯାହା ଆମକୁ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟକୁ ନେଇଗଲା। ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ, ଯାହାର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହା ପାଖରେ ଥିଲା। ହମେ ବତାୟା ଗିଆ କି ରୂପନାଥ କା ମନ୍ଦିର ଏ ବହୁତ ପୁରାନା ହେ ଔର ୟହାଁ ଇସକେ ପ୍ରାଚୀନ ହୋନେ କେ ତମାମ ନିଶାନ ମିଲତେ। ହମ ଉନ୍ହେଁ ଢୁଢି ରହେ ଥେ କି ହମାରି ପହଲି ନଜର ଅଶୋକ କେ ଉସ ଶିଳାଲେଖ ପର ଗଈ ଜୋ ଉସନେ ୟହାଁ ପର ଜବ ଓ ୟହାଁ ସେ ଗୁଜରା ହୋଗେ ତବ କି ଉନ୍ହୋନେ ୟହାଁ ପର ଲିଖି ହେ। ଇସକି ଖାସିୟତ ୟେ ହେ କି ଅଶୋକ ନେ ଶିଳାଲେଖ ମେ ଲିଖା ହେ କି ଜବ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମେ ଶାମିଲ ହୁଏ ତୋ ଉନ୍ହୋନେ ଇସ ୟହାଁ ପର ସ୍ଥାନ ପର ଆଏ ଔର ୟହାଁ ପର ଉନ୍ହୋନେ ବିଶ୍ରାମ କିଆ। ଉସ ଶିଳାଲେଖ ମେ କହା ଗିଆ କି କରିବ ୟେ 232 ସାଲ ପୁରାନା ଈସ୍ୱୀ ସେ ଭି ପହଲା माना जा रहा है शिलालेख। उसमें शिलालेख में अशोक ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि मेहनत से ही उन्होंने वो हासिल किया जो वो करना चाह रहे थे। हम भी अशोक से प्रेरणा लेकर इस शिलालेख से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और रूपनाथ धाम में भगवान शिव के वो चिन्ह तलाशने की कोशिश करेंगे जो हमें बताएंगे शिव यहीं पर छुपे थे, मिलन भी यहीं पर हुआ। अशोकों का समय अनेक शिलालेख रही ଯାହାକି ରୂପନାଥକୁ ଇତିହାସ ସହ ଯୋଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଉପରେ ଯେଉଁଠି ଭସ୍ମାସୁରଠୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲୁଚୁଥିଲେ ମହାଦେବ। ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଅଧା ଆକାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ। ଶିବ କେ ଇସ ସ୍ଥାନ ପର ଆପକୁ ତରହ ତରହ କେ ପ୍ରମାଣ ମିଲେଙ୍ଗେ। ୟେ ଦେଖିଏ ବିଲକୁଲ ୟେ ଜେଲହରୀ ୟାନି ଜୋ ଶିବ କେ ନିଚେ ବନି ହୋତି ହେ ଉସକା ଏକ ରୂପ ଦିଖାଇ ଦେତା ଔର ୟହାଁ ପାନି କା ଜୋ स्थल है कुंड है वो भी इसी अंदाज में बनाया गया कि जैसे शिव के अंदर आप यदि समाएंगे तो आपको एक अनंत संसार मिलेगा जो जल की धारा से होते हुए आगे जाता है। सचमुच शिव को तो जल वैसे भी प्रिय था, इसलिए शिव ने यहाँ पर स्थान को चुना होगा। यहाँ पर हमें सही स्थान आड़ी को चली लू जो सही गुंफा थी बारो दावी करा जाए। ଶେଷରେ ଆମେ ସେହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳ ହେଲୁ ଯେଉଁଠି ଭସ୍ମାସୁରକୁ ଡରି ଭଗବାନ ଶିବ ଲୁଚିଥିବା ଦାବି କରାଯାଏ।
ଏ ସ୍ଥାନ ସେମିତି ଥିଲା ଯେମିତିକି ଶିବ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିଲା। ପାଖରେ ଥିଲା କୁଣ୍ଡ ଓ ଝରଣା, ମାନେ ସେ ଦାବି ସତ ହେଲା ଯାହାକି ଶିବ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର କାହାଣୀ ମହାଦେବ ଓ ଭସ୍ମାସୁରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଏବଂ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। इस रूपनाथ धाम की एक बड़ी खासियत ये प्राकृतिक झरना और कुंड है। कहते हैं कि शिव और पार्वती का मिलन हुआ तो इसी प्राकृतिक झरने पर पहले उन्होंने स्नान किया और बाद में यहीं से शिव की बारात निकली। और इस प्राकृतिक कुंड का पानी जब नीचे गया तो शिव के बरातियों ने उसे ग्रहण किया। निश्चित तौर पर एक ऐसी कथा जो आपको रोमांचित करती है। कहा जाए महादेवक बरजात्री माने जहाँकि बांदकपुर बाहरी थे किसी समय एठारे माने रूपनाथ धाम निकट रही आई कुंडर पा व्यवहार करते बरजात्री दावी हुए ये पा के सुखे एवं आम आगे चली गुंफा आड़ जो भस्मासुर को डरी भगवान शिव लुचि दावी करा जाए। रूपनाथ के बारे में ऐसी जानकारी है कि वहाँ पर शिव जी ने आके तप किया और उसके बाद वहाँ से भागे, भस्मासुर के डर के मारे भागे वहाँ से और बांदकपुर तरफ, मान्यता है कि बांदकपुर वहाँ से गए थे। आज भी वहाँ एक गुफा है तो गुफा में काफ़ी जाने पर आपको महसूस होएगा कि यहाँ से वाकई में एक गुफा है तो रास्ता दिखता है काफ़ी अंदर तक। यहाँ पर ये भी है कि मान्यता रूपनाथ में कि वहाँ से भागते भागते वो बांदकपुर निकले और चूंकि पूरा मार्ग पहाड़ी नुमा है और वहाँ से पूरा बांदकपुर तक पूरी पहाड़ियाँ हैं। एबे आमे सही गुफा भीतर को जीवा पे प्रस्तुत थिलु जेउठी दिने शरण नहीं महादेव, जेउठी तप करिथिले देवदेव महादेव, जेउठी आजी भी महादेवंक सह जोड़ी हुई थिबा प्रमाण थिबार दाबी करा जाए। आखिरकार शिव के इस स्थान पर हम पहुंच गए हैं जिसको कहते हैं रूपनाथ धाम। आपको यहाँ तमाम पुरानी मूर्तियां मिलेंगी। पहली जो मूर्ति मिलती है वो शिव के पंचमुखी होने का प्रमाण मिलती है, यानी ऐसी मूर्ति है जो आमतौर पर आपको दिखाई नहीं देती है। त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में आप जाएंगे तब आपको इस तरह की मूर्तियां दिखेंगी। ये शिव के पंचमुखी होने का प्रमाण यहाँ देती है। लेकिन इस पहाड़ी इलाके में बनी इस पूरी रूपनाथ मंदिर की जो गुफा है इसमें कई रहस्य पे हम जाने की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ आगे जाएं और देखें कि आखिरकार किस तरह ये मंदिर बना हुआ है। आज वर्ष वर्ष पुराणा किंवदंती ऊपर हटिबो पर्दा, अनेक असमाहित प्रश्नर मिलिबो उत्तर, किंतु मनरे रहिथिला अनेक प्रश्न। कौन एहा भितरे आमको महादेवंकु नै किछि प्रमाण मिलिबो कि ना केउ नुवा कहानी सह आमर सामना हेबो। अधा सत अधा गप, महादेवंक विवाहस्थळरे रहिछि वर्ष वर्षर एक पुरातन रहस्य जहाँ उपरू आज भी परदा हटि पारिनी। ए रहस्य हूँ महादेवं विवाह को नहीं रही दीतिपीठ को नहीं, माने आमे कहूँ जोगेश्वर धाम कथा। दावे हुए सेठे स्वयंभू शिवलिंग उच्चता प्रतिदिन बढ़ी थाए। दिन थिला ए शिवलिंग को गोटे हाथ में धरी होता, किंतु आज यह दुई हाथ में भी धरवा संभव नुहे। ए पीठ सहित आउ एक रहस्य हूँ देवी पार्वती बापघर को नहीं। कहुए यह हूँ से ही स्थान जो महादेव बरजात्री को स्वागत करा करा किंतु यहाँ देखा एवं बुझापी आमको जीवार थिला जोगेश्वर धाम को, जहार रास्ता रूपनाथ धाम रो ही जाए, माने से ही रास्ता जो आरंभ होता शिवंर बरजात्री से ही बाहरी थवर दावी। जेतेबेले आमे रूपनाथ मंदिर पहाच चढ़ी आगकु बढ़ुथिलु सेतेबेले आम आगरे थिला एक छोट किंतु अद्भुत मंदिर जहाँकि पहाड़ एक गुंफारे तयारी होईछि। कुहा जाए पौराणिक जुगरे भस्मासुरठू बचिबाकु महादेव एठारे शरण नैथिले। सेतेबेले एहा एक गुंफा थिला, आजि एठारे रहिछि एक मंदिर। मंदिर भितरे रहिछि एक शिवलिंग जहाँकि स्वयंभू नाँ परिचित।
ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଏଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ମାଟି ତଳୁ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ। ରହସ୍ୟ ଆଉ ରୋମାଞ୍ଚର ଏ ଯାତ୍ରା ଏଇଠି ସରୁନି। ରୂପନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଏମିତି ଆଉ କିଛି କଥା ରହିଛି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଭସ୍ମାସୁରର ଲିଙ୍କ ବି ମିଳିଲା ଏ ଗୁମ୍ଫାରୁ। ତେବେ ପୁରା ରହସ୍ୟର ପରଦା ଉଠାଇବୁ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।